हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आकाश पटेल, आप देख रहे हैं यूनिक्स वैल्यू मेकर सेल्फ ये लिंक। कैसे हो आप लोग फ्रेंड्स? आप सबका एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा था कि सर आपने बीआईएम के बारे में बता दिया, स्ट्रक्चर्स के बारे में बता दिया, इसके लिए थैंक यू। तो मेरी तरफ से वेलकम। अब आपका क्वेश्चन ये था कि सर अगर मैं बीआईएम के प्रोफाइल के लिए जा रहा हूं, मैं क्या क्या पढ़ूं, मतलब मैं कौन कौन से टॉपिक्स को तैयार करूं सो दैट कि मैं वहां पर अच्छे से परफॉर्म कर पाऊं। तो बीआईएम की जॉब के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सोचना है और समझना है वो ये है कि बीआईएम इंजीनियरिंग में आप उस कंपनी की डिमांड क्या है, क्योंकि बीआईएम का एक लेंथी डिपार्टमेंट है पूरा का पूरा। उसमें डिटेलिंग भी है, उसमें मॉडलिंग भी है, उसमें एमबीपी भी है, उसमें आपके कई ढेर सारे प्रोफाइल्स मर्ज हो रहे हैं। तो आप देखो, वैसे अगर मैं फ्रेशर्स की बात करूं तो फ्रेशर्स को बीआईएम में जो सबसे ज्यादा जॉब मिलती है वो रैबिट के ऊपर मिलती है। किसके ऊपर मिलती है? रैबिट के ऊपर मिलती है। अब आप सोचो कि फिर अगर रैबिट के ऊपर है तो रैबिट में कौन सा रैबिट? सबसे ज्यादा रैबिट आर्किटेक्चर की जॉब मिलती है लोगों को, और उसके बाद रैबिट स्ट्रक्चर पे। तो अब मैं बात करता हूं सबसे पहले कि अगर रैबिट आर्किटेक्चर की डिमांड है तो क्या पूछा जा सकता है वहां पर। दोस्तों अगर रैबिट आर्किटेक्चर की डिमांड है तो मैंने पहले भी बताया हुआ है एक वीडियो में कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन रैबिट, आप सर्च कर लेना, यूट्यूब पे मिल जाएंगे। बट फिर भी मैं थोड़ा उसको फिर से बताता हूँ। तो रैबिट आर्किटेक्चर में क्या होता है कि अगर रैबिट आर्किटेक्चर की वहाँ पर डिमांड है तो सामने वाले का एक सबसे मिनिमम जो एक्सपर्टिज्म होता है वो ये होता है कि इस बंदे को अच्छी सी मॉडलिंग आनी चाहिए। अब मॉडलिंग के साथ प्लानिंग भी आना चाहिए। तो प्लानिंग की अगर जरूरत है तो क्या क्या पूछ सकते हैं प्लानिंग में? प्लानिंग में बिल्डिंग बाय लॉ सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्डिंग बाय लॉ इसको जरूर पढ़ लेना। इसके बाद वो कंपनी अगर बीआईएम की है तो रेरा के रूल्स जरूर फॉलो करेगी, तो रेरा के बारे में पढ़ लेना। फर्स्ट और सेकेंड टॉपिक्स ध्यान से चाहो तो लिख लो कहीं पर, रेरा के बारे में और बिल्डिंग बाय लॉ के बारे में जरूर पढ़ना। इसके बाद वास्तुशास्त्र के बारे में जरूर पढ़ना। क्यों? क्योंकि प्लानिंग बिना किसी कॉन्सेप्ट के करोगे तो अच्छी प्लानिंग नहीं होगी, और प्लानिंग ही उनकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मॉडलिंग करनी तो पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब बोलोगे सर फिर तो ऑटोकैड वो यूज नहीं करते होंगे? हो सकता करते हो ऑटोकैड, तो ऑटोकैड से भी फाइल इंपोर्ट करके ले आ सकते हो। अगर नहीं करते तो हमें तैयार होके जाना है, तो हमें ये तीन टॉपिक्स पे मेन फोकस करना है। इसके बाद एरिया कैलकुलेशन। अब एरिया कैलकुलेशन बहुत इजीली रैबिट में भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अभी क्या बोलते हैं रैबिट में बहुत इजीली इतनी अच्छे अच्छे कमांड है, एरिया नाम की खुद ही कमांड है। टाउन प्लानिंग आपको रैबिट में आनी चाहिए। मासिंग एंड साइट्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए आपको, मासिंग एंड साइट किस तरीके से करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रैबिट आर्किटेक्चर जो यूज करते हैं वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको शेड्यूलिंग आनी चाहिए, किस तरीके से शेड्यूल करेंगे। बहुत से बच्चे बहुत से जगहों पर अलग अलग जगहों पर सीख रहे होंगे, मेरे पास भी लगभग 40 से 45 बच्चे इस समय हैं जो मेरे से सीख रहे हैं बीआईएम। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि मैं कैसे सीखूं सर, शेड्यूलिंग कैसे सीखूं? तो भाई मैंने यूट्यूब पे शेड्यूलिंग के लगभग 4 लेक्चर बना रखे हैं, ठीक है, और अगर आपको कंप्लीट चाहिए तो unixbill.com पे आपको कंप्लीट लेक्चर भी दे रखे हैं। तो शेड्यूलिंग, वास्तु, रेरा और बिल्डिंग बाय लॉ इसको तो फुल एकदम रट ही जाना है। इसके बाद मासिंग एंड साइट आपको अच्छे से आना चाहिए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है फैमिली क्रिएशन। फैमिली क्रिएशन अगर आपको नहीं पता है, आप बोलोगे सर फैमिली क्या, अपनी फैमिली? नहीं नहीं अपनी फैमिली नहीं भाई, फैमिली क्रिएशन इन द सेंस पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक फैमिली जो रैबिट में बनता है। अब आपको कौन सा फैमिली पता होता है? आपको लगता है कि एक्सट्रूजन, स्वीप और जो दो तीन कमांड है उसके अंदर लॉफ्ट है, तो ये सारी कमांड यूज करने से ही स्वीप लाइक फैमिली का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है? नहीं, आपको पैरामेट्रिक फैमिली पढ़नी है। पैरामेट्रिक फैमिली में क्या होता है, वहां पर फॉर्मूले के थ्रू आप एलिमेंट्स के साइजेस को कम ज्यादा कर सकते हो। तो अगर पढ़ रहे हो फैमिली तो पैरामेट्रिक फैमिली पढ़ोगे तब आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि रैबिट आर्किटेक्चर वाला बंदा आपसे मांगेगा ना, आज बेड का साइज है 6 फीट बाई 3 फीट, कल को हो सकता है 6.5 फीट बाई समथिंग फीट होगा। तो अब पैरामेट्रिक अगर रहेगा तो आप आसानी से चेक कर लोगे। मैं थोड़ा जल्दी बोलता हूँ इसलिए चाहो तो वीडियो स्लो कर लो या तो लिख लो कहीं पर। फैमिली क्रिएशन, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक, फाइल फॉर्मेट, जो इसके फाइल फॉर्मेट है .rfa, .rbt, लाइक अलग अलग जो फाइल फॉर्मेट्स है, ये सारे फाइल फॉर्मेट्स आपको पता होना चाहिए कि RFA है कि RFT है कि आपका RBT है, और डॉट लगाना मत भूलना, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अब मान लीजिए कि और उसकी एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है, अब आपसे और एक्सपेक्टेशन उसकी बस यही हो सकती है कि अगर शेड्यूलिंग पूछ रहा है बंदा सामने वाला,
तो समझ आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि सीमेंट के बैग का साइज क्या होता है, सैंड कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर फीट में करते हैं कि मीट्रिक में करते हैं, कौन से यूनिट में करना इजीली हो सकता है, ब्रिक का साइज कितना होता है, ब्रिक एक मीटर क्यूब में कितनी, क्यों शेड्यूलिंग वही कर सकता है जिसको पता हो कि एक मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक्स होती है। ये सारी चीजें अगर क्लियर है तो रेविट आर्किटेक्चर की अगर रिक्वायरमेंट है तो आप फुलफिल कर सकते हो। इसके बाद थोड़ा रेंडर का आइडिया होना चाहिए, रेंडर को जनरल वाला रेंडर नहीं, रेंडर में डीपीआई क्या होता है, डॉट पर इंच, जितने डीपीआई की आप रेंडर फाइल क्रिएट करोगे उतना ज्यादा क्लियर रेंडर होगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। आपको क्लियर होना चाहिए कि ऑटोडेस्क के थ्रू रेंडर कैसे करते हैं, ऑटोडेस्क के थ्रू रेंडर कैसे करते हैं, वीरे कैसे इंस्टॉल करते हैं रेविट के अंदर, वीरे से कैसे रेंडर करते हैं, इंस्केप कैसे इंस्टॉल करते हैं, इंस्केप से कैसे रेंडर करते हैं रेविट के अंदर। ये सारे पॉइंट्स अगर क्लियर नहीं है तो रेविट आर्किटेक्चर में आपका ब्रेक लग सकता है। क्यों, कोई अगर और गया होगा आपके साथ और वो आपसे बेहतरीन कर दिया, वहाँ पे उसको पता है कि इंस्केप क्या होता है, वीरे कैसे यूज करते हैं रेविट में, इंस्केप कैसे यूज करते हैं और लाइक रेविट की रेंडरिंग कैसे करते हैं, तो पहला प्रेफरेंस तो वो लेके गया ना भाई। तो इस चीज को ध्यान देना कि आपको बेस्ट बनना है तो उसके लिए कुछ पोर्टफोलियो विद एक्सेलेंट रेंडर करके अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो, मेरे साथ अभी कई स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो तैयार किए हुए हैं। तो अगर आप ये ऐसा करते हो तो रेविट आर्किटेक्चर क्लियर है। हो सकता है प्रोफाइल रेविट आर्किटेक्चर की ना हो, और भी बहुत क्वेश्चंस हैं इसमें, बट अभी इतना ही रखता हूँ। अगर हो सकता है कि रेविट आर्किटेक्चर की प्रोफाइल ना हो, हो सकता है वो रेविट स्ट्रक्चर की प्रोफाइल हो, तो क्या पूछ सकते हैं। अगर रेविट स्ट्रक्चर का प्रोफाइल है तो आपसे लैपिंग के बारे में पूछ सकते हैं, लैपिंग कैसे प्रोवाइड करते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि फाइल फॉर्मेट जो होती है रेविट स्ट्रक्चर्स की कैसे क्रिएट करते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि अगर हम कोई डिस्ट्रीब्यूशन बार लगा रहे हैं तो कैसे लगाएंगे, मेन बार लगा रहे हैं तो कैसे लगाएंगे, इसके रीबार एक्सटेंशन है, इसका रीबार एक्सटेंशन जैसे कि ऑटोमेटिक रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड कर सकते हो तो कैसे ऑटोमेटिक रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, वन वे और टू वे स्लैब के लिए रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे, ये आपसे पूछ सकते हैं। हो सकता है थोड़ा और उनके दिमाग में एक्टिविटीज हो कि या थोड़ा और इसका डिटेलिंग का कॉन्सेप्ट देखता हूँ, बोलेंगे एलडी क्या होता है, एलडी का फॉर्मूला क्या होता है, एलडी का जैसे कि आप 50D लेते हो साइड पर, बट एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है 0.875/4 ये क्या होता है, ये सारी चीजें अगर आपकी क्लियर है, अलाउबल लेंथ क्या होता है और डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, कौन सा ज्यादा होना चाहिए कौन सा कम होना चाहिए, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितनी होनी चाहिए, डिटेलर को पता होना चाहिए कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील, मिनिमम डाया बार फॉर कॉलम 12 mm आपको पता होना चाहिए, और उसके साथ ही क्या बोलते हैं टाइज क्या होती है, स्टीरप्स क्या होते हैं, इनके डिफरेंस क्या है टाइज और स्टीरप्स के, इनकी मिनिमम और मैक्सिमम स्पेसिंग्स क्या रखनी चाहिए, ये सारी चीजें अगर आपकी क्लियर है तो आप समझिए कि आप रेवी स्ट्रक्चर में क्लियर है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है रेवी स्ट्रक्चर का। रेवी स्ट्रक्चर में और जो पूछ सकते हैं, मुझे जो लगता है कि मैं कोई हम रट के नहीं आते या फिर कोई हमारे स्क्रिप्ट नहीं होता, जो होता है आपके सामने होता है, जो मुझे याद रहता है क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया है वही मुझे याद रहता है। रेवी स्ट्रक्चर में और जो मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग जो पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि डाया बार्स रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे, एक बीम है और एक कॉलम है, एक कॉलम है एक बीम है, ये दोनों मिल रहे हैं तो वहाँ पर जंक्शन पे कैसे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, वो पूछ सकते हैं आपसे पूछ सकते हैं कि अगर कंबाइंड फुटिंग है, आज मैंने कंबाइंड फुटिंग पढ़ाया क्लास में, तो कंबाइंड फुटिंग में रेनफोर्समेंट किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे, ये आपसे पूछ सकते हैं। हो सकता है आइसोलेटेड फुटिंग में रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे, ये पूछ सकते हैं। इनकी बीबीएस कैसे निकालेंगे, बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे निकालेंगे इन रेनफोर्समेंट का, ये पूछ सकते हैं आपसे। आपसे पूछ सकते हैं इनकी ओनली स्टील क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, इसके अंदर शेड्यूलिंग के अंदर हो जाता है कैसे निकालेंगे, वो होना चाहिए, पता होना चाहिए। आपसे पूछ सकते हैं कि प्रिंट कैसे करेंगे, प्रिंटिंग का पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। प्रिंटिंग मतलब समझ रहे हो, प्रिंट मतलब केवल कंट्रोल पी करके प्रिंट कर दिया, वो नहीं होता है। प्रिंट के अंदर ढेर सारी सेटिंग्स हैं, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। तो कभी कोई की कंपनी होती बोलती बना के मुझे प्रिंट करके दिखाओ, तो आपको पता होना चाहिए कलर प्रिंटिंग कैसे निकालना है, कितने डीपीआई पे निकालना है, क्या उसका पेज का रेजोल्यूशन होना चाहिए, वाटर मार्क क्या कैसे लगाना चाहिए, आपका पेज कोई और ना देख पाए उसके लिए पासवर्ड कैसे रखना चाहिए। बहुत सारी सेटिंग्स हैं जो आपको रेविट स्ट्रक्चर के बारे में अगर पता है तो आप प्रोफेशनल रेविट स्ट्रक्चर आपको इसका मतलब आता है। रेविट स्ट्रक्चर से आपने जो फाइल भी क्रिएट किया हुआ है वो फाइल को आप कैसे दूसरे फॉर्मेट इन द सेंस स्केचअप में कैसे ले जाएंगे या फिर लाइक आपका नेविसवर्क में कैसे लेके जाएंगे, ये सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। IFC फॉर्मेट जो होती है उसमें उससे आप किसी भी सॉफ्टवेयर में अपनी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो। इस पे बहुत ज़्यादा जॉब्स निकलती हैं और बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में पूछते हैं। इसके अलावा आप जब BIM की ओपनिंग रहती है तो AutoCAD के भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि AutoCAD में क्या क्या पढ़ना चाहिए कि जिससे कि हमारी जॉब लग जाए। तो AutoCAD के लिए मैंने ऑलरेडी
टॉप जो कमांड्स होती हैं उनके लिए एक वीडियो बना रखा है, आप उसको एक बार वॉच कर लेना देख के प्लेलिस्ट में, कि रविश ऑटोकैड में व्हाट आर द इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जिसको पढ़ना चाहिए उसको भी देख के कंप्लीट कर लो। तो सबसे पहले आपने रविश आर्किटेक्चर, रविश स्ट्रक्चर और ऑटोकैड की जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जो जो मैंने आपको बताया, इनको लिखो। और इनको लिखने के बाद मैं जो इसके साथ वीडियो इंपॉर्टेंट है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, मतलब ऑटोकैड का जो वीडियो या रविश का जो वीडियो इंपॉर्टेंट है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, उनको पूरा पढ़ो लिखो और लिख के तब उसको तैयार करो। इसके बाद अगर रैबिट एमईपी की अगर ओपनिंग है और नेविस्वर की ओपनिंग है और गूगल स्केचअप की ओपनिंग है तो उसका एक नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ जिसमें बता दो, क्योंकि मर्ज हो जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, अब लोग सर क्या क्या पढ़े, ठीक है। तो अगर आपकी जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है वो रैबिट स्ट्रक्चर पे है या रैबिट आर्किटेक्चर पे है, आज आपका क्लियर हो जाएगा अगर इतना पढ़ लेंगे। ऑटोकैड पे है तो मैंने बता रखा है पहले से, उसको भी आप पढ़ के क्लियर कर सकते हैं। अब स्केचअप पे या एमईपी पर या फिर नेविस्वर्क पे है तो वो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो फिर से पार्ट टू बना देता हूँ, जिसमें आपको वो भी क्लियर हो जाएगा कि भाई स्केचअप में क्या पूछ सकते हैं, नेविस्वर्क में क्या पूछ सकते हैं और उसमें क्या पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं इनका फीडबैक जरूर दीजिए, और साथ ही साथ अपना क्वेश्चन जरूर पूछिए, क्वेश्चन पूछेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होती हैं चीज़ें। मैं हमेशा वही पढ़ाता हूँ या जो भी मैं काम करता रहता हूँ जो मुझे उसमें लगता है कि यार ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर मेरे इंटरव्यू में ये पूछा गया था तो तुमसे भी पूछा जा सकता है, ऐसा भी होता है कभी कभी, क्योंकि इंटरव्यू के क्वेश्चंस फिक्स हैं अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो। डिटेलर के लिए बीबीएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कई लोग बड़े कन्फ्यूज रहते हैं, ग्रुप्स वगैरह में पूछते हैं क्वेश्चंस, ग्रुप में पूछने से अच्छा फेसबुक वगैरह पूछते, सॉरी फेसबुक बोल रहा हूँ मैं, तो यूट्यूब पे अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे ज़्यादा आसानी होती है चीज़ें क्लियर करने में। सो प्लीज़ कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लगते हैं, और साथ ही साथ अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट इन द सेंस आपको जस्ट थोड़ा सा मेरे को मोटिवेट करना चाहते हैं तो मेरा आकाश पांडे ब्लॉग चैनल जो है उसको थोड़ा सा प्रोग्रेस करवाइए, लोगों से शेयर करिए, आप खुद भी उसको शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।